केरंदी महाराज है। अभी यहाँ पर अभिषेक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। हम जा रहे हैं वहाँ से, ये देखिए। अभी यहाँ पर अभिषेक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है, आज हम लोग आए हैं त्रिंगेश्वर मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मेरे बैक साइड में ये मंदिर है। हम लोग यहाँ जा रहे हैं आज, और इसके बाद हम लोग जाएंगे शिरडी में, और इसके बाद जाएंगे सिग्नापुर में। जैसे जैसे हम लोग ट्रैवल करके उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ मैं वीडियो भी शेयर करूँगी। तो चलिए, ये है त्रिंगेश्वर मंदिर की छोटी छोटी शॉप है, और यहाँ पर मतलब सभी लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये मंदिर है त्रिंगेश्वर मंदिर, यहाँ पर जो भी आपको पूजा का सामान चाहिए सबका सब मिल जाएगा। ये देखिए, ये मेरी फैमिली है। ये है शॉप जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, आप देख सकते हैं, जिसमें बनी बनाई टोकरी होती है जिसके अंदर फूल होते हैं और कुछ पत्ते होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये है शॉप, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और प्रसाद भी काफ़ी खूब मिलता है। यहाँ हम लोग तिलक करवा रहे हैं, और मतलब हम वंश का तिलक करवा रहे हैं, ये देखिए। तो मैं भी यहाँ पर अपना तिलक करवा रही हूँ, ये देखिए। मम्मी भी यहाँ पे तिलक करवा रहे हैं, ये देखिए। आप निशा के बारे में, निशा भी करवा रहे हैं, हम सब ने ही करवाया, बहुत सुंदर लगता है। निशा दिखाओ। अब है मेरे हस्बैंड की बारी, उनका भी तिलक कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, है भैया, इसको क्या बोलते हैं, तिलक? चंदन बोलते, चंदन, चंदन, चंदन का तिलक। हम लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, ये देखिए चेकिंग चलती है पूरी। ये मंदिर है, और यहाँ का बोर्ड भी आप देख पा रहे हैं, ये है मंदिर, त्रिंगेश्वर मंदिर। इस रास्ते से हम लोग पहले गए, वहाँ पर एग्जिट का रास्ता था, इसलिए हमें वहाँ से जाने नहीं दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे गेट से जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री होगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है मेरी फैमिली, वंश जा रहा है और निशा भी जा रही है, 20-20 रुपये की टोकरी है। और ये रास्ता है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये पीछे की ओर रास्ता है, और मेरी पूरी फैमिली जा रही है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, मतलब प्रसाद के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रसाद है, फूलों की टोकरी बनी हुई मिलती है पूरी ही, मतलब एंड तक आपको ये छोटी छोटी शॉप मिलेगी जहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे, 100 रुपये के मिल जाएंगे आपको, ये देखिए। ये पूरा ही प्रसाद मिलता है, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, और काफ़ी फेमस है ये त्रिंगेश्वर मंदिर। और ये है गेट, ये देख सकते हैं जहाँ से एंट्री होगी, है मंदिर जो कि श्री त्रिंगेश्वर देवस्थान ट्रस्ट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। अभी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी फेमस है। ये जा रहे मेरे आदि पापा। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे सब लोग आ जाते हैं, यहाँ पर पूजा शुरू होती है 4 बजे, और सब लोग सुबह ही मंदिर में आ जाते हैं। हम इस टाइम पर आए क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी नहीं है, और आराम से हम दर्शन भी कर पाएंगे। ये देखिए, अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जहाँ से हमने फर्स्ट एंट्री की थी वहाँ से काफ़ी कुछ, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ उस टाइम पर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, सब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। ये फूल है, ये गुड़हल, ये बेल पत्थर है, बेल पत्थर, और आग है इसमें, और ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। पर बैठने के लिए भी मतलब जैसे कोई ओल्ड एज है, नहीं चल पा रहा है, तो ये बैठ भी सकता है बीच बीच में, और लाइनों में भी लग सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मन्नत है तो आप यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर पूरी कर सकते हैं, और
हर एक चीज़ पूरी होती है यहाँ पर, और मतलब कि काफ़ी फेमस मंदिर है, सब लोग यहाँ पर मतलब दूर दूर से आए हुए हैं और सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग भी दर्शन के लिए आए थे और आप लोग से मैं वीडियो शेयर करूँगी जहाँ जहाँ भी हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ पर अभिषेक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ से लाइव से दर्शन कर सकते हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं से दर्शन करवा रही गड्ढे के अंदर तीन छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और शिव देवों का प्रतीक माना जाता है। और त्र्यंकेश्वर की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही इसमें विराजित हैं, यानी कि काफ़ी फेमस है और आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और इसमें आप लोगों को लाइव ही दर्शन करवा रहे हैं, आप लाइव देख सकते हैं। ये शिव जी का नंदी है, यहाँ पर सब लोग फूल चढ़ाते हैं और उनके कान में बोलते हैं, जो भी आपकी मन्नत है आप उनके कान में बोल सकते हैं। अभी हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर ये नंदी महाराज है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अंदर तो कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, इसकी वजह से आप लोगों के साथ मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो अभी हम लोग बाहर ही निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पर जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।